अजलक साहब, आपने कहा था कि फैसला किया कि 8 फरवरी के बाद ईरान और अफगानिस्तान को एक मेज पर बिठाएंगे। आप आज की कार्रवाई के बाद समझते हैं कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि उठाने की जरूरत है रियासत को? पहली बात तो ये है कि अभी आपने फरमाया कि मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जलसे हो रहे हैं, या तो आप बेखबर हैं या अनजान बनने की कोशिश करते हैं। ये जो शहर शहर गली गली जमात इस्लामी के जलसे जुलूस रैलियां हो रही हैं, क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहे हैं? यही तो हमारा गिला है, यानी हम और लोगों से क्या गिला करके बैनुल-अक़वामी तौर पर जुल्म हो रहा है। आपके ज़ुबान में भी इंसाफ नहीं है तो फिर हम किससे इंसाफ मांगे? पहली बात तो यह है कि जब आप बात करते हैं ना तो पूरी बात करें, ये अदल करें, इंसाफ करें। हम कुछ ज़्यादा नहीं मांगते हैं, बस मेरिट चाहते हैं। इस पे अगर इत्तेफाक है तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। बात यह है कि अमेरिका इस मुल्क में, इस खित्ते में, इस रीजन में एक और जंग बरपा करना चाहते हैं, इसलिए कि अमेरिका के जो असलहे के कारखाने हैं वो जब बंद पड़ते हैं तो उसकी इकानमी मुतासर हो जाती है। तो उनकी बलाई इसी में है कि कहीं ना कहीं जंग हो और वो उस जंग में अपने असलहे को बेचता रहे, लोग बेशक मरते रहे लेकिन वो कमाते रहे। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि इस तरह वाकयात का होना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिशें हैं और हमें इन साजिशों से आगाह रहने की ज़रूरत है। हमें खुशी है कि बहुत जल्द ईरान को भी एहसास हो गया और पाकिस्तान को भी एहसास हो गया। इसमें अगर चाइना ने कोई अच्छा रोल अदा किया है सालिसी का, दोनों को करीब लाने का, तो उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए कि अमन के अलावा हमारे साथ और कोई चॉइस नहीं है। मेरा मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन के बाद हम इंशाअल्लाह ताला इन तीनों ममालिक के जो इंटेलिजेंशिया से वाबस्ता लोग हैं और जो पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले लोग हैं उसको हम बुलाएंगे और चाहते हैं कि एक रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस हो जाए। तो सिराजुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं एक ऐसे वक्त में जब गुज़िश्ता रोज़ ही सफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे, तो कौन है जो कि नहीं चाहता कि मामला जो हैं वो नॉर्मलाइज हों, दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं माजी की तरह आगे बढ़ें? देखिए, जब ईरान और पाकिस्तान का टेंशन बन गया तो आपने देखा किसने सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार किया? इंडिया ने किया, इसलिए कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर हों और पाक ईरान ताल्लुकात बेहतर हों। तो दोनों जानब उनके ऐसे लाबीज मौजूद हैं, ऐसे कारिंदे मौजूद हैं, उनके एजेंट मौजूद हैं जो हमेशा इस तरह वाकयात बनाने में और अपने मनपसंद नतायज हासिल करने में मसरूफ़ होते हैं। फिर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं जो एक कमज़ोर पाकिस्तान चाहते हैं, कमज़ोर ईरान चाहते हैं, कमज़ोर अफगानिस्तान चाहते हैं, और ज़ाहिर है ये तीनों ममालिक उस वक्त कमज़ोर होंगे जब ये आपस में इत्तेहाद की बजाय दस्तक ग्रेबान हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।